नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में मंदिरी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के नाम पर जमीन मकान छीनने के विरोध में खेरियाबाग के आंदोलनकारियों की जिला अधिकारी आजमगढ़ से वार्ता बेनतीजा साबित हुई। ग्रामीण किसान मजदूर और किसान नेता जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जिलाधिकारी के साथ करीब एक घंटे तक वार्ता किया। जिलाधिकारी ने उनकी बातों को सुना। वार्ताकारों ने 5 मांगों को अस्पष्ट शब्दों में रखा। वार्ताकारों ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट विस्तारीकरण की परियोजना का मास्टर प्लान तत्काल रद्द किया जाए। आजमगढ़ में यदि विकास करना है तो कृषि मंडियों का विकास होना चाहिए। जमीन हड़प कर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई जरूरत नहीं है। 12-13 अक्टूबर 2022 की रात शासन प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्य के दोषियों को सजा दी जाए। तीसरी मांग रखी गई कि 24 दिसंबर 2022 को किसान नेता राजीव यादव और अधिवक्ता विनोद यादव का गैर कानूनी तरीके से अपहरण व मारने धमकाने वाली घटना की उच्च स्तरीय जांच हो और अपहरण करने वाले दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सजा दी जाए। चौथा, ग्रामीणों की सहमति के बिना किए गए फर्जी सर्वे को तत्काल रद्द किया जाए। आंदोलनकारी चाहते हैं कि कोई दिन तय करके धरना स्थल पर ही पहुंचकर सार्वजनिक तौर पर लिखित आश्वासन दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें निर्णय लेने और सुनने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपकी बात को ऊपर सरकार तक पहुंचा देंगे। सरकार की बातों को आज तक पहुंचा रहे हैं। शासन प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों पक्षों के लोग कानून की सीमाओं को लांघने से सदैव बचते रहे और विधि सम्मत तरीके से अपने अपने कार्यों को जारी रखें। खेरियाबाग के आंदोलनकारियों ने देवारा बाल पीड़ितों के धरने और 75 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे मौर्या दंपति हत्याकांड के पीड़ितों का भी समर्थन किया। आंदोलनकारी किसानों मजदूरों ने कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं हो जाता है और हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। वार्ताकारों में रामनयन यादव, दुखहरण राम, राजीव यादव, वीरेंद्र यादव, किस्मती, सुनीता, नीलम, पुष्पा, राजेश आजाद, विनोद यादव, अवधेश यादव, प्रेम प्रवेश निषाद, रविंद्रनाथ राय, राहुल विद्यार्थी, रविंद्र यादव, राम प्रवेश यादव, नंदलाल, डब्ल्यू एम खान, मुरली, राहुल, महेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, अमरजीत, प्रमोद कुमार, सप्पू कुमार, अभिषेक कुमार आदि शामिल रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। लेकिन अब तक कोई भी आपकी उचित मांग नहीं मानी गई? कोई मांग नहीं मानी गई। यहाँ तक कि यह पहली वार्ता है आज डीएम से थी। और ये भी सुन लीजिए कि इन्होंने एक बार 13 तारीख को समय दिया था और वार्ता का समय इन्होंने हमको 5:30 बजे दिया था। तो हमारे साथ हमारी वार्ता कमेटी महिलाएं भी हैं, तो हम इन महिलाओं को लेकर कोतनी वक्त जाते कहाँ ठंड की बेला में, हमने उससे इनकार कर दिया। तो आज वाली यह पहली वार्ता थी, इसलिए हम यही कहेंगे कि पहली वार्ता बेनतीजा रही, अब दूसरी वार्ता देखिए कब बुलाते हैं। हमने अपनी बात कहा और वो सरकार की बात को हमारे ऊपर लादना चाह रहे हैं। हमने तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की मांग किया ही नहीं, तो हम ज़बरदस्ती हमको एयरपोर्ट दिया जा रहा है। हमने मांग किया था कि यहाँ कल कारखाने हों, यहाँ पर कुछ ऐसे रोजगार पर कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले। हम तो मांग करते हैं कि आजमगढ़ में कन्या महाविद्यालय और कन्या इंटर कॉलेज ये नाम मात्र के कहीं कहीं हैं, वह शिक्षा के लिए व्यवस्था किया जाए, अच्छे अस्पताल दिए जाए जहाँ गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपने बच्चों को अपने लोगों को दवा करा सकें, कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि उसको हम विकास कहेंगे। और ये बताइए कि हमारे इतने गांवों को उजाड़ करके जो छोटे छोटे किसान हैं, किन्हीं के पास खेती है ही नहीं है, और उनको उजाड़ करके यहाँ से भगा देंगे, तो ये कौन सा विकास करेंगे? हमारा मत तो ये समझता हूँ कि ये विकास जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि जब भी कोई बड़ी परियोजना आती है तो जमीनों पर ही उसका क्रियान्वयन होता है, किसानों की ही जमीनों को लिया जाता है, ग्रामीणों की ही जमीन को लिया जाता है, इसमें नया कुछ नहीं है, इस पर क्या कहना आप? इस पर हमारा ये कहना है कि जहाँ खाली जमीन हो, जहाँ पर दूर दूर तक गांव दिखाई न देते हों, जहाँ पर कृषि कार्य न होते हों, ऐसी जमीन को चिन्हित करके आप बनाइए, कौन इसको मना करता है? लेकिन कहा कि जितने खातेदार प्रभावित होंगे, जितने खातेदारों की जमीन जाएगी, उससे उन लोगों से व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति से बात किया जाएगा, आप लोग सामूहिक रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है?
वो एक एक जो कह रहे हैं अभी उसका तरीका उन्होंने नहीं बताया कि जैसे रात में वो सर्वे करने के लिए भेजे थे ऐसे रात में पुलिस के बल पर वो लोगों से बातचीत करेंगे या गांव वालों को बैठा करके खुली बैठक में बात करेंगे, ये स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, बातचीत होगा, पुलिस वालों को भी हिदायत दी। उनके कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप हमारी बातों को मान करके शांत हो जाइए, और हम ये जानते हैं कि प्रशासन के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये कोई अगर बात पर उलट जाएंगे, अगर हम उसका जवाब मांगेंगे तो कहेंगे हम क्या करें, शासन से आदेश था। जो भी बातें आप लोगों ने सुनी, अब कमरे के बाहर आकर के क्या निचोड़ निकला, क्या निर्णय पे पहुंचे? निर्णय पर हम यही पहुंचे हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि हमको ये उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में हमारी मांगे बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं, ऐसा हमको कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता। हम यही मानना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमारा एक जो अपना नारा है वो ये कि हम मरते दम तक लड़ेंगे। कब तक लड़ेंगे? कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित हम यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।